राम जय जय राम श्री 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 राम जय जय राम जय जय राम जय श्री राम सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय बोलो भाई सब संतन की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पिछले सत्संग में हम लोगों ने अहल्या प्रसंग को देखा था। अहल्या जी का उद्धार भगवान ने किया। विश्वामित्र ऋषि भगवान राम को गौतम ऋषि के आश्रम में लाए हैं और वहाँ पर भगवान के चरण रज का स्पर्श, जब वो पत्थर बनी हुई जो अहल्या थी उसको मिला तो वह शाप से मुक्त हुई। इस कथा को हम देख रहे थे कि वह पत्थरवत हो गई थी। शी बिकेम लाइक स्टोन, मतलब पत्थरवत जड़ हो गई थी और वो तपस्या में लीन थी। जगत से अपना ध्यान हटाकर पूरी तरह वह अंतर्मुखी हो गई थी। और यह वर्णन आता है कि चरण कमल रज चाहती, उनके मन में केवल एक ही इच्छा थी कि बस भगवान के चरण रज का स्पर्श हो गए। और कहते हैं उनकी तपस्या सफल हुई और वहाँ भगवान पधारे और वो उस उपल देह पत्थर रूपी देह में से वो प्रकट हुई और ऐसी लग रही है मानो वो तपस्विनी हो। इसलिए वर्णन आता है तप पुंज सही, तपस्या का तेज उनके चेहरे पर है और वह भगवान की स्तुति करने लगी। पिछली बार हमने स्तुति आधी देखी थी, थोड़ी सी हम वो स्तुति देखकर फिर इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इस प्रसंग का अपने जीवन में यह प्रसंग किस तरह से घटता है, किस तरह से अप्लाई होता है वो हम देखेंगे। लेकिन पहले ये स्तुति थोड़ी सी देख लें। यहाँ पर 210 के बाद पूरा छंद है जो हमने पढ़ा था, उसमें दो पद हमने देख लिए थे, आज तीसरा और चौथा उसका जो स्टेंजा है वो देखेंगे और फिर इसका क्या फिलोसॉफिकल मीनिंग है, स्पिरिचुअल मीनिंग है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए तीसरा जो स्टेंजा है, मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना परम अनुग्रह मैं माना, देखे हरि लोचन हरि भव मोचन इहि लाभ शंकर जाना, विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मागौ पर आना, पद कमल परागार सनुरागा मम मन मधुप कर पाना, ज
जय पद सुर सरिता परम पुनीता प्रकट भई शिव शीस धरि सोई पद पंकज जहि पूजत अज मम सिर धरेउ कृपाल हरि एहि भाति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परि जो अति मन भावा सो बरु पावा गए पति लोक आनंद भरी गए पति लोक आनंद भरी। यहां पर वो कहती है गौतम ऋषि के लिए कहती है कि मुनि श्राप जो धीना अति भल कीना। गौतम ऋषि ने जो मुझको श्राप दिया वो कथा भी हम आगे देखेंगे क्यों श्राप मिला उनको। तो बोले उनको उन्होंने जो श्राप दिया उससे मेरा लाभ ही लाभ हुआ। लाभ का आप यदि उल्टा करो तो क्या हो जाएगा भला। जब हमको लाभ होता है तो हम क्या कहते हैं हमारा भला हुआ। तो क्या भला हुआ क्या लाभ हुआ तो कहते हैं कि आपका दर्शन हुआ अति भल कीना परम अनुग्रह मय माना। ये श्राप दिया तो बहुत अच्छा हुआ इस श्राप को मैंने कृपा के रूप में अनुभव किया कि वो श्राप नहीं था दुख देने के लिए नहीं था कष्ट या यातना के लिए नहीं था बल्कि वह तो बहुत बड़ी कृपा थी। पिछली बार हमने कहा था ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज आशीर्वाद मिला लेकिन वो वेश बदल के आया। श्राप के वेश में कृपा ही आई या आशीर्वाद ही आया। तो परम अनुग्रह मैं माना और मैं उस अनुग्रह का अनुभव कर रही हूं। क्या अनुभव हो रहा है तो देखेहु भरी लोचन। लोग जिसके दर्शन के लिए तरसते हैं कब दर्शन होगा वो दर्शन हरि का दर्शन मुझको हो रहा है। मैं भरी आंख से ऐसे भगवान को देख पा रहे हो तो इससे बड़ी और कृपा क्या होगी। यद दृष्ट्वा न परम दृश्यम जिसको देखने के बाद और कुछ देखने लायक शेष नहीं रहता देखने योग्य शेष नहीं रहता। जब परम पवित्र परमोच्च वस्तु का दर्शन हो जाए तो फिर बाकी सब चीजें हल्की लगती है छोटी लगती है। परम सुख का जब अनुभव हो जाए तो बाकी सुख सेकेंडरी गौण उसमें उतना मजा आता नहीं। जैसे किसी को अच्छी किताबें पढ़ने का या यदि आनंद मिलने लगे तो फिर बाकी जो नॉवेल्स होते हैं उसमें उसकी कोई रुचि रह नहीं पाती। कोई अच्छा संगीत मिल जाए सुनने को और उसमें उसकी इंटरेस्ट हो रुचि हो तो फिर बाकी संगीत जो है वो फीका लगता। तो यहाँ पर कहती है कि ये तो बड़ा भाग्य है कि मैं आपको देख पा रही हूँ और यही लाभ शंकर जाना बहुत सुंदर। वो कहने लगी कि यहाँ जो भगवत दर्शन का सुख है इसको तो शंकर जी जानते हैं इसलिए शंकर जी हमारी बात को समझ पा रहे होंगे क्योंकि शिव जी से बड़ा कोई राम भक्त नहीं। सतत वो राम नाम में उनका उनकी वाणी है जप करती है राम जी का ध्यान करते हैं। तोड़े शंकर जी ने सबसे बड़ा लाभ किसको माना है भगवत दर्शन को राम दर्शन को तो वही दर्शन मुझको हो रहा है। और भगवान के दर्शन से फिर क्या होता है तो भागवत में लिखा है न पुनर्भव दर्शनम। जो कुंती जी ने स्तुति की है ना कुंती माता ने बड़ी प्रसिद्ध स्तुति है उसमें वो मांगती है विपदस संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु हमारे जीवन में विपत्तियां आए ऐसा कुंती ने मांगा है। तो क्यों मांगा है
तो उसमें आप देखिए सीक्वेंस देखिए, बोले जब विपत्ति आती है तो आपका खूब ध्यान होता है, खूब मनन होता है, आपको ही आपको याद करते हैं, आपके अलावा सब भूल जाते हैं, है ना, दुख में सुमिरन सब करें। तो होता यह है कि जब बहुत ज्यादा तीव्रता से स्मरण होता है तो फिर आपका दर्शन होता है, और आपके दर्शन का फल क्या वहां लिखा, न पुनर्भव दर्शनम, फिर संसार का दर्शन होता नहीं, संसार से मुक्त हो जाते हैं, संसार से छूट जाते हैं। तो वो दुख मांगती है दुखी होने के लिए नहीं, दुख इसलिए मांगती है कि फिर सारे दुखों की क्या हो जाएगी, समाप्ति। तो यहां पर भी वही लिखा, हरि भव मोचन, ऊपर भी लिखा है भय मोचन, भगवत दर्शन जो है वह भव से छुटाता है, भव मतलब संसार, आपको पीछे बताया है, भव मतलब जो हमको सतत भीतर एक वृत्ति है बनने की, होने की, टू बिकम, यह वृत्ति ही भव कहलाती है। कुछ न कुछ हम बनना चाहते हैं, कुछ न कुछ होना चाहते हैं, कुछ न कुछ पाना चाहते हैं, और इसका कोई अंत दिखता नहीं, कुछ भी बन जाए तो वहां से और कुछ दिखता है, इसलिए इसको कहा है भव सागर या भव रोग। तो यहां पर लिखते हैं भव मोचन, देखो भगवान का नाम क्या कर दिया, भव मोचन। हाँ, जैसे आपको संकट मोचन मालूम है कि नहीं, संकट मोचन स्तोत्र हनुमान जी का नाम है, संकट मोचन। ऐसे यहां हरि भव मोचन, देखे वो भरी लोचन, हरि भव मोचन इहै लाभ संकर जाना, दूसरी लाइनें। और वो अहल्या क्या कहती है, बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथन मागौ वरना, कहती है मेरी एक ही विनती है। क्या? तो वो कहने लगी कि मेरी मति बिल्कुल क्या है, भोली है, भोली मतलब और कोई उसमें अब कामना बची नहीं, निष्काम, अब सारी मेरी इच्छा क्या हो गई है, पूर्ण हो गई है। इसलिए न मांगो वर आना, इसलिए मैं और कोई वर, दूसरा अब कोई वर मांगना नहीं चाहती। देखिए प्राय कथाओं में आप देखते हैं कि भगवान दर्शन देते हैं और पहला प्रश्न करते हैं, क्या वर चाहिए, तुमने जो इतनी तपस्या की, ध्यान किया, भजन किया, कोई ना कोई इच्छा लेकर ही किया होगा। प्राय हम लोगों की जो भक्ति होती है वो सकाम भक्ति ही होती है, उसको अर्थार्थी की भक्ति भी कहते हैं, किसी न किसी इच्छा कामना को लेकर जब हम भगवान की ओर चलते हैं, सकाम भक्ति। तो यहां भगवान पूछ रहे हैं, आपने ये तपस्या की, कोई वर चाहिए? तो कहती है न, मैं और कोई वर मांगना नहीं चाहती। हाँ, यदि आप देना चाहते हैं तो एक बात जरूर दीजिए मुझको, बहुत ही मीठी बात यहां पे वो कहती है, पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना, पाना करे, पान मतलब पीना, पान जिसे हम कहते हैं जलपान, जलपान कहते हैं नाश्ते को, जलपान, खान पान, खाना पीना। तो बोले मैं ये चाहती हूं कि मेरा मन क्या करे, पिए। ओ, क्या पिए? तो बोले आपके चरण कमल का जो प्रेम है, हाँ, चरण कमल में जो भक्ति है, उस भक्ति का ही वो क्या करे, पान करे। और यह बहुत सुंदर एक उपमा देती है वो, मधुप, मधुप मतलब होता है भ्रमर, बी, मधुप शब्द अच्छा है, मधुम पिबती यह, जो वो मधु का पान करे उसको कहते हैं मधु, मधुप। तो भ्रमर क्या करता है, वो फूलों में जाता है और फूलों के पराग कण का पान करता है,
उसको मकरंद भी कहते हैं। तो कहते भगवान आपके चरण कमल के सदृश हैं, और उसमें जो रस है ना, आपके चरणों में जो प्रेम है, जो भक्ति है, बस वही क्या है, वो मकरंद है, शहद है, मधु है। मैं चाहती हूं कि बस आपके चरणों में मेरा मन लगा रहे, जैसे वो भ्रमर पान करता है वैसे ही मेरा मन भी आपके चरणों का ध्यान करे, मन तल्लीन हो जाए, तन्मय हो जाए, भक्ति का वर मांगा है। और यही बात भरत जी के लिए भी कही गई है। भरत जी को उपमा दी गई है कि राम चरण पंकज मन वासु लुभुत मधुप इव तजई न पासु। भरत जी भी ऐसे ही भक्ति भक्त है, वो भी यही कहते हैं कि मेरा मन रूपी भवरा आपके चरण कमल के रस को कभी छोड़े नहीं। देखिए आपने कथा सुनी होगी, भ्रमर जो है वो कमल में जाता है और वो रस लेते 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 इतना उसमें तन्मय हो जाता है कि भूल ही जाता है, वो कमल बंद हो जाता है। तो कितनी तन्मयता है, ऊपर ऊपर की भक्ति नहीं है। तो यहां पर कहते हैं कि ऐसा प्रेम, ऐसा अनुराग आपके चरणों में हो। अच्छा, और आपके चरण कैसे हैं? तो बहुत सुंदर। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रकट भई शिव शीस धरी। बोले आपके चरणों से परम पवित्र गंगा, सुर सरिता मतलब देव नदी, गंगा जी प्रकट हुई है। और जिन्होंने शिव जी, जिस गंगा को शिव जी ने क्या किया, सिर पे धारण किया। तो देखिए आगे भी ऐसा आता है कि भगवान के पाद से, चरण से ये गंगा जी निकली है। वर्णन ऐसा आता है कि जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया, तो वामन अवतार की कथा आप जानते हैं, भगवान का आकार विराट होते चला गया, बढ़ते गया, और उनका एक पाव जो है वो स्वर्ग में पहुंचा, है ना, तीन पाव से उन्होंने पूरा जगत को नाप लिया था। सो उनका जब पद चरण जो स्वर्ग में या ब्रह्मलोक में पहुंचा, तो वहां ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान के चरण कमल का दर्शन हो रहा है। तो ऐसा वर्णन आता है, ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब बढ़िया ये मौका है, अवसर है, क्यों ना पाद पूजा कर ली जाए, स्वयं पाद चल के आया है। तो कहते हैं ब्रह्मा जी ने वहां पाद पूजा की और कमंडलू में जो जल था उस जल से अभिषेक किया भगवान के चरणों का, और वही जो चरण, चरणोदक उसको कहते हैं, वही फिर गंगा जी के रूप में भगवान शिव जी के जटा में आया। फिर भगीरथ जी ने तपस्या करके उसको कहाँ लाया, तो कहते हैं पृथ्वी पर। तो इसलिए कहते हैं विष्णुपाद उद्भूता, भगवान के चरणों से ये गंगा जी निकली है। तो देखो ये चरण कितने पवित्र है, हम लोग गंगा जी में स्नान करके अपने आप को पवित्र करते हैं, तो गंगा जी की इतनी महिमा क्यों है, क्योंकि उसका जो उगम है, द सोर्स है, वो स्वयं भगवान विष्णु है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक भजन लिखा है भगवान के चरणों के ऊपर ही, उसमें बिल्कुल यही वर्णन वो करते हैं। एक भजन है बड़ा प्रसिद्ध, भज मन राम चरण सुखदाय। भज मन राम चरण सुखदाय, भज मन राम चरण सुखदाय, जेहि चरणन से निकसी सुर सरी, जेहि चरणन से निकसी सुर सरी, शंकर जटा समाई, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पर्यो है, जटा शंकरी
पर्यो है त्रिभुवन तारन आई भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई। तो यही वर्णन है कि जिस चरण से निकसी सुरसरी देव नदी गंगा जी प्रकट हुई वही शिवजी ने धारण की और ऐसे इन दिव्य चरणों का स्पर्श मुझको मिला। आ सोई पद पंकज जेही पूजत अज मम सिर उर धरेउ कृपाल हरि। भले जिसकी पूजा अज अज मतलब ब्रह्मा जी ने, दूसरी पंक्ति में देखिए जिनकी पूजा ब्रह्मा जी ने की, अज शब्द का अर्थ है ब्रह्मदेव, जिसका जन्म नहीं हुआ ऐसे ब्रह्मदेव ने जिनकी पूजा की वह चरण का स्पर्श आज मुझको मिला, वह चरण भगवान ने कृपा करके मेरे सिर पर रखे। बार बार जो है वो स्तुति करती है, बार बार हरिचरण परी लिखते हैं, यही भाति सिधारी गौतम नारी बार बार हरिचरण परी। देखिए जब भीतर श्रद्धा भाव भक्ति बहुत बढ़ती है तो एक ही क्रिया व्यक्ति करता है और वो क्या है, नमस्कार नमस्कार समर्पण। उसको न कुछ बोलने की इच्छा होती है न और कुछ करने की इच्छा होती, केवल बस चरणों में लोटे रहे दंडवत करते रहे। यही स्थिति हुई थी शबरी जी की भी, हम शबरी की कथा आगे देखेंगे। जब भगवान का दर्शन किया उसने बड़ी तैयारी की थी भगवान के स्वागत के लिए, लेकिन ऐसी भाव विभोर हो गई, भक्ति का ऐसा आवेश भाव का ऐसा आवेश आया कि वो सब भूल गई, केवल बस चरणों में प्रणाम करती। हम लोगों को भी अनुभव होता था जब पूज्य गुरुदेव किसी के घर में जाते थे, लोग बड़ी तैयारी करके रखते थे लेकिन उनका दर्शन होते ही सब भूल जाते थे, क्योंकि आरती करना ही भूल गया तो माला डालना ही भूल गया, क्योंकि भाव का इतना मतलब प्रगाढ़ आवेश की सारी क्रिया क्या गौण हो जाती, केवल बस नमस्कार हरिओम हरिओम। तो यहां पर कहते हैं बार बार हरिचरण पर। जब अर्जुन ने भी गीता में आप देखिए विश्वरूप का दर्शन किया, विराट रूप का, क्या करता है वो, आगे से नमस्कार पीछे से नमस्कार पृष्ठतः अग्रतः। ये एक बिल्कुल स्वाभाविक नियम है कि जब व्यक्ति किसी की महिमा देखता है तो झुकने का मन होता है सहज। देखो जब तक महिमा मालूम नहीं होती दूसरा व्यक्ति कहता है प्रणाम करो प्रणाम करो, ये बहुत बड़े संत है महात्मा है, वो नहीं करता, बोले होंगे। लेकिन जब उसको मालूम पड़ता है कि इतना इनमें ज्ञान है इतने गुण है तो फिर स्वयं चल के आता है और दंडवत करता है और माफी भी मांगता है कि मैंने पहले आपको प्रणाम नहीं किया, अंडर एस्टिमेट किया। तो यहां पर देखिए बार बार प्रणाम करती है और जो अति मन भावा सो बरूपावा गए पति लोक आनंद भरी। बोले जो मैं चाहती थी वो मुझको मिल गया, मेरी इच्छा पूरी हुई, भगवत दर्शन की इच्छा से ही वो तपस्या कर रही थी और वह जो है पति लोक को चली गई, ब्रह्म लोक उच्च लोक में उसकी क्या हो गई, सदगति हो गई, मुक्ति हो गई उसकी। अब इस प्रसंग के ऊपर तुलसीदास जी कहते हैं ये दोहे में कि जरा देखिए, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सटते ही भजू झाड़ी कपट जंजाल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। जब अहल्या की मुक्ति को देखा तुलसीदास जी ने,
मन से ही देखा, तो वो कहने लगे कि देखो भगवान कितने दयालु है, कारण रहित दयाल। बहुत ही सुंदर विशेषण है, बिना किसी कारण के दया करते हैं। समाज में व्यक्ति दया करता है, कृपा करता है, लेकिन कोई कारण होता है उसका। बोले इसके कारण हाँ मुझको नौकरी मिल गई। अब नौकरी मिली क्यों? बोले मैंने कुछ उसको दिया, कुछ कहा, मस्ट बी सम रीजन। बिना कारण के कृपा या दया होती नहीं है। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो केवल प्रेम के कारण, संबंध के कारण करते हैं। ये तो दुनिया में तो लेन देन चलता है, आप इतना दो तो हम आपको इतना देंगे। लेकिन यहां पर कहते हैं कि भगवान तो कारण रहित दयाल, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर। बिना सेवा के भी वो दीन पर द्रवित होता है, कृपा करता है। दीन बंधु, इसलिए देखिए यहां पर भी शब्द दिया हुआ है, दीन बंधु, दीनों के जो बंधु है। देखिए यहां पर दीन के बंधु शब्द लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या है? बहुत गूढ़ अर्थ है। बंधु मतलब कौन? भाई। बंधु मतलब संबंधी। यदि कोई व्यक्ति दीन है तो भगवान कहते हैं अरे ये मेरा है। जगत में हम जब किसी दीन वस्तु को देखते हैं, दीन व्यक्ति को, तो क्या बोलते हैं? बेचारा है, गरीब है, लाचार है, ऐसा हम बोलते हैं। और उसमें वी डोंट क्रिएट एनी रिलेशनशिप। लेकिन यहां पर कहते हैं भगवान केवल दीन को ऐसा दुखी नहीं मानते, बंधु मानते हैं। बंधु मानकर फिर उसके ऊपर कृपा करते हैं। हम लोग दीन के ऊपर कृपा करते हैं बेचारा मानकर, और जब ऐसा मानकर हम सेवा या कुछ कृपा करते हैं तो अपने में अभिमान आता है कि हमने इतने लोगों का उद्धार किया, इतने लोगों की सेवा की। हाँ, लेकिन यहां बहुत अच्छा शब्द है, दीन बंधु, बिल्कुल भाई के जैसे, अपना है इसलिए मैं कृपा कर रहा हूं, बेचारा इसलिए नहीं। तो ऐसे ये प्रभु है तुलसीदास जी अपने ही मन को कहते हैं अरे भाई तुलसी, तू क्यों नहीं इनका भजन करता? सठ अपने आप को ही मूढ़ कहते हैं। लेकिन निंदा करनी चाहिए तो अपने आप की निंदा, दोष देखे तो अपने आप में ही देखें, और यदि हंसी भी उड़ानी है तो हम अपनी आपकी हंसी उड़े, दूसरे के ऊपर हंसे ना। इसलिए लिखते हैं कि तुलसीदास, अरे तुलसी तू तो बिल्कुल सट है। सट मतलब मूड। ऐसे बढ़िया वाले भगवान को छोड़कर कपट जंजाल, ये जंजाल जो है संसार है इसमें तू पड़े हुए हो, उसको छोड़ो और क्या करो? ऐसे कृपालु भगवान का भजन करो। ते ही भजु छाड़ी कपट जंजाल। अपने ही मन को उपदेश कर रहे हैं, जैसे समर्थ रामदास स्वामी ने मनाचे श्लोक लिखा है ना, मनाचे श्लोक। अपने ही मन को जो है वो मना सज्जना भक्ति पंते सीधा, अपने ही मन को वो क्या कर रहे हैं? उपदेश कर रहे हैं। तो यहां पर इस तरह तुलसीदास जी ने कहा कि जब अहल्या का उद्धार हो सकता है तो हमारा उद्धार क्यों नहीं हो सकता? तो आप कृपा कीजिए। अब इसका जरा हम आध्यात्मिक अर्थ देखें, ये प्रसंग क्या है। अब देखो प्रसंग ऐसा है कि गौतम ऋषि अहल्या के पति है, और ये अहल्या जो है बहुत सती साध्वी है, सुंदरी है, और कहते हैं ब्रह्मा जी की पुत्री है, ऐसा भी कहा गया। और हुआ एक दिन ऐसा कि ये गौतम ऋषि जो है स्नान करने के लिए गए नदी पर, रोज ही जाते थे प्रातः काल, बिल्कुल सूर्य का उदय भी जब नहीं हुआ, एकदम ब्रह्म मुहूर्त में, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता था उस समय, वो नदी स्नान के लिए जाते थे। तो कहते हैं वो एक दिन गए उधर स्नान के लिए। अब इंद्र जो था ना, इंद्र ने अहल्या को देखा,
और वो अहल्या तो बहुत ही सुंदरी थी। तो ये इंद्र जो है मोहित हो गया, इंद्र के मन में उनको पाने की इच्छा हो गई। अब क्या करें, तो कहते हैं इंद्र ने जो है गौतम ऋषि का वेश ले लिया, गौतम ऋषि के वेश में वो पहुंच गया उस आश्रम में। अब अहल्या को तो मालूम नहीं, अहल्या को तो लगा कि हमारे ही पति आए, तो वो वैसे ही वर्तन व्यवहार करने लगी जैसे पति के साथ होता है। वो पहचान ही नहीं पाई कि ये तो इंद्र है। अब कहते हैं उसी समय गौतम ऋषि जो है स्नान करके आए और देखा कि ये कौन है। बहुत उनको क्रोध आया, गुस्सा आया, और उन्होंने अपने अंतर्दृष्टि से पहचान लिया कि ये तो इंद्र है। एकदम जो है उसको भी शाप दिया है उन्होंने, और अहल्या पर भी वो क्रोधित हुए और अहल्या को शाप दे दिया कि तुम क्या हो जाओ, पत्थर हो जाओ, तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गया है। हिंदी में ऐसा कहते हैं, तुम्हारी बुद्धि कैसी हो गई, जड़, इसलिए तुम जड़ हो जाओ। अब कहते हैं इस शाप के कारण, जैसे हमने कल पिछले इसमें बताया था, कहीं कहीं पर लिखा है वो पत्थर ही हो गई, कहीं लिखा पत्थरवत हो गई, इसकी व्याख्या हमने की। तो संज्ञा शून्य, एकदम जड़वत हो गई। अब लेकिन वो कहने लगी, महाराज मैं, मेरी गलती नहीं है, ये तो आपके ही वेश में आया, तो मैं तो पहचान नहीं पाई, आप क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, कृपा कीजिए। तब गौतम ऋषि ने उन पर कृपा की और कहा कि ठीक है, तुमको ये देह मिला है या अब शाप तो मिल गया है, लेकिन अब मैं कृपा करता हूं कि तुम्हारी मुक्ति राम जी के चरणों के धूलि के स्पर्श से होगी, बस तब तक अब इंतजार करो। ऐसा कह के वो चले गए। तो इसको कहते हैं शापानुग्रह, शाप के बाद अनुग्रह, और वह जो है वहां से चले गए। बस तब से वो अहल्या जो है अकेली है वहां, परित्यक्ता हो गई। गौतम ऋषि ने उनको छोड़ दिया और उसने संसार को छोड़ दिया, और वह जो है अंतर्मुख हो गई, अंतर्मुख। अब कुछ भी वो दुनिया से उसका कोई मतलब नहीं। तो ऐसी ये कथा है, वो तपस्या करती है और फिर भगवान वहां पर पधारते हैं। अब इसका एक आध्यात्मिक अर्थ ये बताया है तुलसीदास जी ने बताया है नाम के प्रसंग में। नाम और राम को उन्होंने कंपेयर किया है। पिछली बार हमने देखा था मारीच, ताड़का, सुबाहु, उनके आध्यात्मिक अर्थ देखे थे। ताड़का दुराशा है, मारिच जो है दोष है, सुबाहु दुख है। राम जी ने मारिच, ताड़का और सुबाहु को मारा, लेकिन नाम ने क्या किया, दुराशा, दुख, दोष, उन सबको मारा। ठीक ऐसे ही ध्यान से सुनना जरा, कहते हैं ये अहल्या किसका प्रतीक है, तो कुमति का प्रतीक है। किसका, कुमति। और वहां तुलसीदास जी लिखते हैं राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। कहते हैं राम जी ने तो एक अहल्या का उद्धार किया, लेकिन नाम ने, राम नाम ने तो अनेक कुमतियों को क्या कर दिया, सुधार दिया। तो ये अहल्या इज अ सिंबल ऑफ कुमति। Now, what is कुमति? दो तरह की मति है, एक सुमति और कुमति। सुमति का मतलब ऐसा है जो वस्तु जैसी है उसको वैसे ही पहचानना। आप वेदांत में पढ़ते हैं इंटेलेक्ट, हाँ, बुद्धि जो है, अच्छी बुद्धि कौन सी है,
जो नित्य अनित्य का विवेक करे, सत्य असत्य को पहचाने, सही गलत को पहचाने। अब अहल्या की बुद्धि भ्रमित हो गई थी और अहल्या ने सत्य को पहचाना नहीं। गौतम ऋषि के वेश में इंद्र आया, पहचाना नहीं। देखो हम लोगों की भी यही स्थिति होती है, भगवान वेश बदल बदल के आते रहते हैं लेकिन हम भगवान को पहचान नहीं पाते। हाँ, हमारी बुद्धि को लगता है संसार ही है लेकिन वो वास्तव में भगवान होते हैं। तो बुद्धि कौन सी सही, जो सत्य को पहचाने। तो ये अपने भीतर जो अहल्या है वो है कुमति। अच्छा, अब ये कुमति क्या हुई, तो बोले सुमति में बदल गई, भगवान का दर्शन हुआ और वो मुक्त हो गई। यहां पर वास्तव में ये अहल्या का जो पूरा प्रसंग है, ये कुमति से सुमति कैसे अपन हम लोग प्राप्त कर सकते हैं और मुक्त हो सकते हैं, ये पूरी यहां पर प्रक्रिया बताई है। अब देखो, जब इनको शाप मिला तो कैसी हो गई, जड़वत हो गई। जड़वत हो गई मतलब अंतर्मुखी हो गई और तपस्या करने लगी। पूज्य गुरुदेव ने तपस्या का अर्थ बड़ा अच्छा बताया है। तपस्या मतलब मेंटेनिंग द डिजायर विथ पेशेंस, उसको कहते तप। किसी उच्च इच्छा को लेकर हम धीरज पूर्वक सब कुछ सहन करते हैं, बट जो हमारे डिजायर है उसको हम छोड़ते नहीं, उसको कहते हैं तप। तो यहां पे हमने देखा था कि वह तो धीर धरी, धैर्य धारण करके तप कर रही है। तो कुमति सुमति कब बनती है, तो सबसे पहली पॉइंट यह है जब वो अंतर्मुखी होती है और तपस्या करती है, ठीक है। अच्छा, और एकाग्र होकर वो भगवान का ध्यान करती है। जब इतना सब होता है तो देखो क्या सुंदर यहां प्रसंग है। भगवान को कौन लेके आए हैं, विश्वामित्र ऋषि। ध्यान से सुनना, जब हम थोड़ी साधना करते हैं, वेन वी गो विद इन, अंतर्मुखी होते हैं और बाकी दुनिया से विरक्त होते हैं और एक चित्त होके, एकाग्र होके एक इच्छा को ही सामने रखते हैं, आत्मदर्शन, आत्मज्ञान, तो क्या होता है, जीवन में गुरु आते हैं। भगवान ही उस गुरु को भेजते हैं, बोले हाँ इसने तैयारी कर ली है, नाउ ही इज फिट टू बी लिबरेटेड, अब ये मुक्ति के लिए बिल्कुल योग्य है। विश्वामित्र ऋषि यहाँ पे गुरु के रूप में है और उन्होंने भगवान को लाया है, देखो साक्षात लाया है और भगवान का स्पर्श करा दिया, किसको, अहल्या को। ये कुमति जो है उसमें भगवत तत्व का ज्ञान करा दिया। गीता के छठे अध्याय में बहुत सुंदर वर्णन आता है, सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। जब व्यक्ति ध्यान करता है, डीप मेडिटेशन, पहले उसने तपस्या की, पहले श्रवण किया और ध्यान किया, तो क्या लिखते हैं वहां पे, ब्रह्म का स्पर्श होता है उसको, सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, और उसको क्या मिलता है, अत्यंतम सुखम अश्नुते। बिल्कुल यही बात कथा के माध्यम से यहां कही, प्रभु रामचंद्र जी के स्पर्श से अहल्या जी जो है उनको अति सुख मिला। और देखो ब्रह्म दर्शन का फल क्या है, मुक्ति। ब्रह्म का स्पर्श होने के बाद बंधन तो टिक नहीं सकता, तो यहां पर भी वही बात हुई, वह मुक्त हो गई। उनकी मति जो है, जो कुमति थी, सही को, सत्य को नहीं पहचान पाई, वो शुद्ध हो गई, और शुद्ध ही नहीं हुई बल्कि मुक्त हो गई। इस तरह ये अपने भीतर जो है, जो अविवेक है ना, वही अहल्या है। तो करना क्या चाहिए, बोले अंतर्मुखी होइए,
विरक्त होइए और एक चित्त होकर ध्यान कीजिए, तो निश्चित ही गुरु कृपा होगी और गुरु कृपा से फिर भगवत कृपा भी होगी। इस तरह इस कथा का ये आध्यात्मिक प्रसंग है। तुलसीदास जी वहां कहते हैं, राम जी ने तो अहल्या का उद्धार किया, लेकिन राम नाम, यदि नाम का स्मरण नित्य होता रहे, अखंड जप होता रहे, तो मति धीरे 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 क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, मति के दोष सब निकल जाएंगे। और फिर उपनिषद में जैसा कहा है, दृश्यते तु अग्रया बुद्धि सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी, वह बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी और वही फिर आत्मदर्शन कर पाएगी। इस तरह यहां पे ये इसका आध्यात्मिक भाव है। अब कहते हैं जब अहल्या का उद्धार हुआ, उसके बाद भगवान अब आगे चलते हैं। आगे कहां चले हैं तो सुनिए, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा, गाधी सुनू सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुर सरी मही आई, तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए, विविध दान मही देव नि पाए, हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियरायाम, बेगी विदेह नगर नियरायाम। कहते चले राम लक्ष्मण मुनि संगाम, विश्वामित्र ऋषि के साथ राम जी लक्ष्मण जी चले। बोले कहाँ जा गए, तो कहते जहां जग पावनी गंगा, आहा, बोले जहां पर गंगा जी आई हुई है, गंगा जी का दर्शन भगवान करते हैं और बिल्कुल गंगा जी के पास पहुंचे। यहां पर कहते हैं विश्वामित्र ऋषि ने गंगा अवतरण की कथा राम जी को सुनाई। हाँ, गंगा जी कैसे, अभी अभी हमने बताया, पहले तो ब्रह्मलोक में थी, शिव जी के जटा में आई, फिर भगीरथ जी ने तपस्या की, पूरी गंगा अवतरण की कथा भागवत में है, सारे पुराणों में है। तो गंगा जी को जब देखा है तो विश्वामित्र ऋषि ने उसकी महिमा सुनाई, और जब भगवान ने महिमा सुनी है तब कहते हैं वहां पर उन्होंने स्नान किया, तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए, गंगा जी में स्नान किया और स्नान के बाद विविध दान मही देवन पाए, दान दिया है भगवान ने, भगवान तो अभी राजपुत्र है तो स्नान के बाद दान, और जब ये सब हो गया उसके बाद वर्णन आता है हर्षि चले, उसके बाद भगवान हर्षित होके आगे चलते हैं, क्योंकि आगे उनको जाना है जनकपुर में, विश्वामित्र जी ले जा रहे हैं उनको। तो हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियर आया, विदेह नगर मतलब ये जनकपुर, उसकी ओर वो चलते हैं। अब देखो यहाँ पे एक बहुत समझने वाली बात है, जब अहल्या का उद्धार किया वहां से तो भगवान चले, ऐसा वर्णन है चले, और जब गंगा जी का दर्शन किया, गंगा जी में स्नान इत्यादि किया, उसके बाद भी वो चलते हैं, लेकिन फिर वहां लिखा है हर्षि चले, पहले लिखा है चले, स्नान दान होने के बाद हर्षि चले। बोले इसमें क्या फर्क क्या है, तो बोले देखो भगवान जब अहल्या का उद्धार करके चलते हैं तो उनका मन थोड़ा सा दुखी है, दुखे इस बात से है कि बताइए इतनी बड़ी ये ऋषि पत्नी, उनको मैंने अपना चरण लगा दिया, ठीक है उनकी मुक्ति हुई लेकिन मन में थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन जब उन्होंने गंगा जी में स्नान किया, दान किया, बोले हाँ अब मैं क्या हो गया, मानो कि मैंने प्रायश्चित कर लिया, देखो क्या सुंदर बात, मेरे से अपराध हो गया, ऐसा भाव संतों ने बताया। और जब अपराध होता है तो प्रायश्चित करना चाहिए, तो प्रायश्चित मतलब क्या, स्नान दान इत्यादि,
और जब ये हो गया तब हर्षि चले, हाँ बोले नाउ आई एम हैप्पी, हर्षि चले। अब यहाँ पे देखिए एक और सीखने की बात यह है, थोड़ा सा बोल के पूर्ण करें। जब गंगा जी के निकट पहुंचे हैं तो यहाँ पर विश्वामित्र जी ने महिमा सुनाई है और फिर भगवान ने स्नान किया है। यहाँ सीखने वाली बात ऐसी है कि जब भी हम किसी तीर्थ में जाएं तो तीर्थ में सबसे पहले महिमा सुननी चाहिए, फिर स्नान करना चाहिए। महिमा को जाने बिना जो स्नान होता है ना, वो केवल केवल स्नान होता है, उसमें कोई ज़्यादा मन पर प्रभाव हो और मन शुद्धि हो ऐसा नहीं होता। एक नदी है उसमें नहा लिए, लेकिन ये नदी मतलब भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकली है, गंगा जी के जटा से निकली है, ओ तब देखिए उसके बाद जो हम स्नान करेंगे ये भाव रहेगा कि मैं तो गंगा भगवान के चरणों तक में स्नान कर रहा हूं। हुआ ना फर्क, शिव जी के जटा का स्पर्श मिल रहा है। तो इससे शरीर तो शुद्ध हो गए लेकिन मन भी शुद्ध होगा, नहीं तो स्नान करने से शरीर की तो शुद्धि होगी, रोज हम स्नान करते ही घर में। तो तीर्थ की महिमा जान के जब आप उसका सेवन करेंगे तो लाभ अधिक होगा। और यहां पर देखिए गंगा जी की महिमा बताइए, अब गंगा जी की महिमा बोलने जाए तो एक घंटा तो कम ही पड़ेगा। अपने तपोवन जी महाराज वो तो गंगा जी को कहते थे कि ये साक्षात ब्रह्म ही है, द्रव रूप में ब्रह्म ही है। बहुत उन्होंने एक सुंदर बात कही, बोले कुछ लोग साकार की उपासना करते हैं, कुछ लोग निराकार की करते हैं, लेकिन मैं तो निराकार की उपासना करता हूं। नीर का मतलब होता है पानी, तो ब्रह्म ने ही पानी का रूप ले लिया है, निराकार, निदीर्घ है। तपोवन जी महाराज कभी भी गंगा जी को छोड़ते ही नहीं थे, गंगा जी के किनारे किनारे ही वो भ्रमण करते थे। एक बार वो सिद्धवाड़ी के निकट हिमाचल में भी आए थे बताते, लेकिन थोड़े दिन के बाद वो कहने लगे गंगा जी नहीं दिख रही है, फिर से हरिद्वार, ऋषिकेश। शंकराचार्य जी ने गंगा जी के ऊपर स्तोत्र लिखा है, हम सब लोग पढ़ते हैं, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे। ध्यान रखना गंगा केवल एक नदी नहीं है, गंगा बिल्कुल देवी है, जो संवेदनशील लोग हैं वो ये बात समझ पाएंगे। आगे हम थोड़ी और चर्चा करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज को भी गंगा जी ने प्रेरित किया, जब वो उत्तर काशी में गंगा जी के किनारे बैठे थे। तो ये गंगा एक सामान्य नदी नहीं है, इसलिए तो विश्वामित्र जी ने यहां पूरी महिमा सुनाई है। भारत की समृद्धि और संस्कृति को बढ़ाने में गंगा जी का बहुत बड़ा योगदान है। गंगा जी जननी तुल्य है, माता सदृश है, संस्कृति का पालन पोषण करने वाली। अपने पुराने जितने भी नगर आप देखिए, काशी इत्यादि, प्रयागराज, इलाहाबाद, ये सब कहां गंगा के किनारे ही बसे हैं। और अनेक ऋषि मुनियों ने गंगा के किनारे ही तपस्या की है, इसलिए कहते हैं गंगा कोई सामान्य पानी या नदी नहीं है। और भगवान ने इसीलिए इस पर स्नान किया है, ये बताना चाह रहे हैं भगवान। देखो भगवान राम तो धर्म के विग्रह है, हमको धर्म का पालन कैसे करना चाहिए, तो स्नान और दान करना चाहिए, ये भी है। तीर्थ में दान का बहुत महत्व है, तो भगवान ने एक आदर्श प्रस्तुत किया और फिर वहां से वो चलते हैं। अब आज हम लोग यहीं तक देखते हैं, इसके आगे का प्रसंग अब अगले बुधवार को देखेंगे, आज हम यही रुकते हैं। और अगला प्रसंग बहुत अच्छा है, वो है पुष्प वाटिका का प्रसंग, जहां भगवान पुष्प वाटिका में सीता जी से मिलते। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।